आपको मालूम है जॉइंट पेन की समस्या क्यों होती है? क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है, बढ़ता है, उसी वजह से हमें जॉइंट पेन की समस्या होती है। फिर चाहे वो हमारे हाथों में हो, हमारे उंगलियों पे हो, या हमारे कंधों पे हो, हमारे कमर पे हो, जॉइंट पेन हमारे घुटनों पर हो, कहीं पे भी हो, यूरिक एसिड की वजह से हमें जॉइंट पेन की समस्या भी होती है। आज की वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। जॉइंट पेन के लिए जो यूरिक एसिड आप चम्मच भर भर कर खा रहे हो, वो भी अपने घर के अंदर, जी हाँ, गलत तरीके से दाल बनाने की वजह से आप यूरिक एसिड खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। ये समस्या आजकल छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो दाल बनाने का सही तरीका क्या है, चलिए वो वीडियो में हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दाल बनाने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैं एक कटोरी दाल ले रही हूँ। दाल चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कोई मूंग का दाल हो, चने का दाल हो, अरहर का दाल हो, उड़द की दाल हो, दाल कोई सा भी हो, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है, इसे बहुत सारे लोग तूर दाल भी बोलते हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से धुलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पॉलिश होता है और जो भी केमिकल होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो हम इसे कम से कम 3 से 4 बार खूब अच्छे पानी से धुलेंगे। और जब दाल अच्छी तरीके से धुल जाए तो हमें क्या करना है, दाल को 1 घंटा तक इसे फुला कर रखना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब दाल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए ही फुलाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी दाल बनाना है उससे पहले हमें 1 घंटा पहले ही दाल को भिगा कर रखना है। तो यहाँ पे देखिए पानी कितना ज़्यादा गंदा है, इसे हम कम से कम 3 से 4 बार धुल लेंगे। तो ये देखिए हमें 1 घंटा हो गया था इसे फुलाए हुए। अब हम चलते हैं इसे बनाने। तो मैं यहाँ पे कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहले दाल कुकर में डाल दिया और पानी डाल दिया। पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। वैसे ही नॉर्मल जैसे आप नमक हल्दी डालकर बनाते हैं वैसे ही आप गैस पे इसे चढ़ा दीजिए। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अभी सीटी नहीं लगानी है। और देखिए इसमें ये जो झाग बन रहा है ना, ये आप नोटिस करेगा, ये हम कभी नहीं निकालते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, दाल में नमक हल्दी डालते हैं और सीटी लगा देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो हमारी दादी नानी दाल बनाती थी वो खुले बर्तन में बनाती थी और इस झाग को वो ज़रूर निकालती थी। तो आप भले ही कुकर में ही बनाइए लेकिन ये जो झाग है इसे निकाल के फेंक दीजिएगा। ये झाग ही जो है वो हमारे जॉइंट पेन की समस्या है। ये जो झाग है ये देखिए, ये यूरिक एसिड है जो हम डेली अपने खाने में खाते हैं और इसके वजह से हमें जॉइंट पेन की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप दाल बनाएं तो ये ज़रूर इस झाग को निकाल कर फेंकें। और अब हम कुकर में ही बना रहे हैं तो अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च जब आप तड़का लगाएँ तब डालें। तो बस इन सबको मिक्स करके अब हम इस टाइम जो है अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। तो बस अब इसे हमने गैस पे रख दिया, 2 सीटी आने तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए दाल में 2 सीटी आ गई है, दाल जो है पक गई है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से पकी है या नहीं। तो ये देखिए दाल काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई है, टमाटर भी काफ़ी अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पे घी रख दिया गर्म होने के लिए। घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे उसके बाद 2 से 3 लहसुन की कलियां डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं या जो भी आप खाते हैं उससे तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जीरा और लहसुन
जब तक लाल हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। लहसुन और जीरा काफ़ी अच्छे से लाल हो गया है, तो अब हम इसे दाल में तड़का लगा देंगे। तो ये हमारा दाल जो है बिल्कुल रेडी है, बस इसे सर्व करते टाइम आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं। तो दाल बनाते समय आपको दो बात का ज़रूर ध्यान रखना है। पहला, जब दाल में बॉयल आने लगे तो उसमें जो झाग बनता है उसे आपको ज़रूर निकालना चाहिए। दूसरा, कि जब भी आप दाल बनाएं, दाल बनाने से एक घंटे पहले दाल को आपको भिगा कर रखना है, तो वो जो दाल में झाग बनता है वो यूरिक एसिड है, उसकी वजह से हमें जॉइंट पेन की समस्या होती है। तो हमेशा बनाते समय आपको उसे निकालना चाहिए। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।